हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू तिलासिस सर ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10th 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे। इसमें है प्रूफ √5 इज इरेशनल। तो क्लास 9th में आप लोग ने पढ़ा है कि इरेशनल्स नंबर क्या होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग जो नंबर्स होते हैं वो इरेशनल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसे इरेशनल प्रूफ करने के लिए हम लोग को रॉन्ग एज्यूम करना पड़ेगा। तो हम लोग लेट अस एज्यूम दैट √5 इज़ अ रैशनल नंबर। क्या एज्यूम कर लेते हैं कि √5 इज़ अ रैशनल नंबर। यदि रैशनल नंबर है तो हम इसे पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। लिख लेते हैं हम लोग √5 इक्वल टू पी अपॉन क्यू। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर लेते हैं। तो √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा और इधर पी का स्क्वायर अपॉन में क्यू का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर ट्रांसपोजिंग कर लेंगे तो आ जाएगा पी स्क्वायर इक्वल टू 5q². ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं पी स्क्वायर क्या होगा, यहाँ पर डिविजिबल होगा 5 से। यदि पी स्क्वायर डिविजिबल है 5 से तो डेफिनेटली पी भी क्या होगा, डिविजिबल होगा 5 से। ठीक है, यहाँ आगे हम लोग देखते हैं कि पी इक्वल टू 5 के ले लेते हैं, कि मतलब कोई भी इंटीजर्स उसमें 1, 2, 3, 4 कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है, तो पी की वैल्यू 5 के लिए हम लोग ने, तो p की जगह हम लोग क्या ले लेते हैं, 5 के पुट कर देते हैं। अब इसका स्क्वायरिंग कर लेंगे तो 5k का स्क्वायर हो जाएगा और इधर 5q का स्क्वायर। ठीक है, 5k का स्क्वायर करेंगे तो इधर 25k स्क्वायर हो जाएगा और 5q स्क्वायर हो जाएगा। ये 5 से 25 कट हो जाएगा, क्या बचेगा, 5k स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर डिविजिबल हो जाएगा 5 से, तो क्यू भी क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा 5 से। यहाँ पर देख सकते हैं कि पी और क्यू दोनों क्या हो रहे हैं, डिविजिबल हैं 5 से। इसका मतलब दोनों का HCF क्या होगा, 5 होगा। और हम लोग ने एज्यूम करे थे कि ये को प्राइम है, कि अब फैक्टर क्या हो सकते हैं, सिर्फ एक हो सकते हैं। जो हमने एजप्शन किए थे वो रॉन्ग किए थे। इससे प्रूफ होता है कि जो आपका √5 है वो क्या है, एक इरेशनल नंबर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।